नमस्कार, शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरी तरफ से सास बहू फैमिली गुरु देखने वाले सभी दर्शकों को हैप्पी दशहरा। 9 दिनों में नवरात्रों के बाद 10वें दिन रावण दहन होता है। बुराई पर अच्छाई की विजय को आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, सिंदूर खेला की रस्म भी आज ही होती है और देवी माता को आज ही के दिन विदा भी किया जाता है। आइए शो की शुरुआत करते हैं और आपको वो हाइलाइट्स दिखाती हूँ जिसके बारे में आज कुछ खास जानकारी दूंगी। आज आपको बताऊंगी रावण संहिता में तांत्रिक तिलक क्या जो बना हुआ है उसका क्या रहस्य है, साथ ही दशहरे की रात को आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं जिससे नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से दूर जाए, ये भी बताऊंगी। आज आपको आपका कल सुधारने वाला राशिफल भी एडवांस में दिया जाएगा, आज ही बताऊंगी, तो शोक में बने रहिए। आइए शो की शुरुआत करते हैं। आज आपको शो में दशहरे पर नींबू के अचूक उपाय बताऊंगी। ये उपाय महा उपाय आपको बड़ी से बड़ी परेशानी को चुटकी में रफू शक्कर कर देंगे। तो आइए आपको पहला महा उपाय बताती हूँ। एक नींबू लेकर उसे घर के चारों कोनों में 7 बार घुमाएं और कहीं खाली जगह पर ले जाकर उसके 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में नींबू का एक एक टुकड़ा फेंक कर लौट आएं। लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखें, इससे वास्तु दोष दूर होगा। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि रावण का प्रभाव उसकी तांत्रिका साधना के बल पर था। रावण कई ऐसे उपाय भी करता था जिससे जो सामान्य इंसान उसे देखता था वो आकर्षित हो जाता था। रावण संहिता में कुछ ऐसे ही खास प्रकार की तांत्रिक तिलक की चर्चा भी की गई है। जो भी व्यक्ति ये तिलक लगाता है उसे अपनी ही तरफ खींच लेता है। आइए आपको तांत्रिक तिलक के बारे में बताती हूँ। समाज में वर्चस्व पाने के लिए भी तांत्रिक तिलक है। आप सफ़ेद आंकड़े को छाया में सुखा लें, इसके बाद उसे कपिला गाय यानी कि सफ़ेद गाय के दूध में मिलाकर उसे पीस लें और फिर उसका तिलक करें। ऐसा करने से व्यक्ति का समाज में वर्चस्व स्थापित होता है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी हर बात माने तो अपामार्ग के बीज को बकरी के दूध में मिलाकर पीस लें, उसका लेप बनाकर लगाएं। इस लेप को लगाने से व्यक्ति के समाज में आकर्षण काफ़ी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि ऐसे सभी लोग उसका कहा मानते हैं। एक और तांत्रिक तिलक बता रही हूँ, किसी भी काम में असफलता नहीं मिलेगी। दूर्वा घास के चमत्कार को तो आप सब पहले से ही जानते हैं, शास्त्रों में भी इसके चमत्कार का वर्णन किया गया है। कई प्रकार के उपायों से इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सफ़ेद गाय को दूध के साथ सफ़ेद दूर्वा का लेप बनाकर लगाए तो उसे किसी भी काम में असफलता नहीं मिलती। किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना हो तो तांत्रिक तिलक, अगर आप घर, समाज या ऑफिस जैसी जगहों पर लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो बिलपत्र या फिर बिजौरा नींबू के बकरी के दूध में मिलाकर उसका तिलक बनाएं। ऐसा करने पर आपका आकर्षण बढ़ेगा, आप हर जगह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल होंगे। शो में आगे बढ़ें उससे पहले आज का दूसरा महा उपाय बता देती हूँ। एक नींबू लें और उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार कर उसके 2 टुकड़े कर लें। बाएं हाथ का एक टुकड़ा दाईं तरफ और दाएं हाथ का एक टुकड़ा बाईं तरफ फेंक दें। इस उपाय को करने से भाग्योदय होता है, भाग्य में आ रही सारी अड़चनें दूर होती हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि राम ने रावण का वध किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रावण जब भूमि पर मृत्युशैया पे पड़े थे तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहा। रावण ने भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण को क्या ज्ञान दिया, आइए बताती हूँ। अच्छे कार्य में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य को मोहवश करना पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा मुझे और कोई नहीं मार सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ। तीसरी और अंतिम बात रावण ने कही, अपने जीवन के गुण रहस्य किसी भी क्लोजेस्ट आदमी को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे जब विभीषण लंका में था तो मेरा शुभचिंतक था और जब राम की शरण में गया तो वहाँ जाने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बना। देखिए, उनके इस ज्ञान का सार यही है कि अपने गुण रहस्य अपने तक रखने चाहिए, शुभ कर्म में देरी ना करें, गलत काम में परहेज करना और भी शत्रु को कमज़ोर ना समझना और अमूल्य पाठ हर एक इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। चलिए दशहरे से जुड़े तीसरे महा उपाय के बारे में जान लीजिए। एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दें। ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। नींबू को अपने साथ ले जाएं, आपका काम जरूर बनेगा। ये उपाय नौकरी पाने के लिए बहुत कारगर है।
आइए अब मैं आपको बताती हूँ वो उपाय जिन्हें दशहरे में करने से आपको हर तरह के डर से बचाव मिलेगा। अगर आपको लगता है कि पैसे के लाभ या धन के अभाव को समाप्त करने के लिए दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करें, यदि संभव हो तो अपने घर में शमी का वृक्ष लगाएं और उसकी रोज़ पूजा करें। शमी के पेड़ को सोने का पेड़ माना जाता है, इसीलिए इसकी पूजा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं रहती। रावण दहन के दिन अगर संभव हो तो रावण दहन के पश्चात दहन की कुछ जली हुई लकड़ियाँ ले आएँ, इन्हें लाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें जहाँ से ये आसानी से ना दिख सकें। इस उपाय से बुरी शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और अगर किसी की नज़र लगी है तो वो भी दूर हो जाते हैं। दशहरे के दिन हनुमान जी की पूजा भी विशेष महत्व रखती है। दशहरे के दिन हनुमान जी की पूजा करने से दुश्मन परास्त होते हैं और सब आपके प्रशंसक बन जाते हैं। दशहरे के दिन हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर लगाएं। इस दिन आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इस उपाय से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपके दुश्मन परास्त होकर आपके मित्र बन जाएंगे। दशहरे के दिन काली गुंजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन 11 काली गुंजा लेकर इसको गंगा जल से शुद्ध करें, कच्चे दूध से धोकर पूजा घर में रख दें, इसके दीप दून दान पूजा करें और इसके बाद इन्हें अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दें। इससे धन का लाभ होगा। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर कोई गंभीर संकट आने वाला हो तो इसका रंग भी बदल जाता है। ऐसी स्थिति में इसे पानी में बहा दें, संकट अपने आप टल जाएगा। दशहरे के दिन यात्रा करने का भी विशेष लाभ मिलता है। अगर आपके जीवन में परेशानी है तो इस दिन यात्रा ज़रूर करें, भले ही ये यात्रा छोटी हो। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली लौट आएगी। आज का चौथा महा उपाय क्या है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नौकरी या काम नहीं बन रहा आपका, तो आप सारे बिल्कुल मारे मारे फिर रहे हैं, तो एक काम करें, एक दाग रहित बड़ा नींबू लें, चौराहे पर 12 बजे से पहले जाकर उसके चार हिस्से कर लें, चारों दिशाओं में दूर दूर फेंक दें। इससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी। क्या आप जानते हैं दशहरे के दिन क्या करना चाहिए? जी हाँ, उपाय के अलावा ऐसा क्या है इस दशहरे के दिन जो करने से आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी, बुरी शक्तियाँ आपसे दूर रहेंगी और उपायों की काट भी आसानी से हो जाएंगी। आइए आपको बताती हूँ ऐसी बातें जिन्हें करने से धन की प्राप्ति होगी। शनि के पेड़ की पूजा करें। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम ने जब शमी के पेड़ के आगे रावण वध के लिए शक्ति मांगी थी, तो शमी के वृक्ष ने भी राम को विजय होने के लिए आशीर्वाद दिया था। तभी से शमी के पेड़ दशहरे के दिन शाम आपको जानकर कुछ लोगों द्वारा पूजा की जाती है। आप दशहरे की शाम को शमी के पेड़ के पास जाएं और वहां खड़े होकर अपनी सारी समस्या बताएं और लाल धागा लें और वृक्ष के नमन करके बाद में इसके चारों ओर बांध दें। कुछ ही दिनों में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राम नाम की शक्ति दशहरे वाले दिन आपको साफ कागज़ पर कम से कम 1000 बार श्री राम लिखें। ध्यान रहे, राम जी का नाम लिखते समय आपका उनका जाप भी करना है। इसके बाद शाम को रावण हन से पहले राम नाम जपते हुए 108 आटे की गोलियां बना लें। शाम को नाटों की गोलियों को मछलियों को खिला दें। साथ ही राम नाम का जाप भी करते रहें। साफ नदी में बहाएं ताकि आपको मछलियां पौंड में भी मिल जाएंगी। आपके सब दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो आपको अपने घर में या ऑफिस में किसी भी तरह से डर लगता है, तो आप एक काम कीजिए, दशहरे के दिन लाल हनुमान का पताका लेकर पहले राम मंदिर में जाएं और वहाँ राम नाम जपें। आपको ऐसा करने से मात्र पताके में हनुमान जी की शक्ति आ जाएगी और फिर आप इसको ऑफिस पर या घर पर लगा दें। चंद्रमा की किरणें होती हैं पवित्र। दशहरे के दिन प्रकृति भी राम जी पर विजय से खुश होती है। बुराई जिस दिन खत्म हुई, उस दिन स्वर्ग से फूलों की बरसात हुई और प्रकृति की हर चीज़ पवित्र सी हो गई। आज दशहरे वाले दिन रात्रि में चंद्रमा अमृत बरसाता है। इस रात को चंद्रमा की किरणों को आप अगर नेकेड आई से देखते हैं तो लाभदायक होता है, इसीलिए रात में आप चंद्रमा को देखें और इसकी किरणों को घर में आने दें। आपके घर से संकट दूर होने लगेंगे। गुप्त दान से मिटते हैं सब तरह के भय। दशहरे वाले दिन व्यक्ति को गुप्त दान ज़रूर करना चाहिए। आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद करें और उसकी मदद ना हो सके तो उसके सामने आप किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ दे दें। इसको बार बार करिए, आपको लाभ मिलेगा। शो में अब आपको आज की सबसे खास एस्ट्रो टिप देने का वक्त आ गया है। शाम को आप रावण दहन में जाएंगे, दशहरे पर जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को लिखकर आसपास पहले जाकर रावण के पास डाल देने पर और तील लगकर वो प्रॉब्लम जब जल जाएगी तो आपकी ज़िंदगी का रावण भी खत्म हो जाएगा। आज के दिन ये काम ज़रूर करें।
आज फेसबुक पर सुनील जी का सवाल ले रही हूँ। वो पूछ रहे हैं कि उनका बर्थडे 10 अक्टूबर को है, उन्हें फ्रीलांस काम करने को बहुत मिलता है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन कोई फिक्स जॉब नहीं मिलती। ऐसा क्यों हो रहा है? जॉब करना उनके लिए सही रहेगा? उन्हें फिक्स जॉब मिलेगी? जब बताते हैं, हो सकता है 1 से 1.25 साल तक आपको फ्रीलांस काम मिले, लेकिन अगर पैसों की दिक्कत नहीं है और कंफर्ट है तो तकलीफ भी क्या है। मैं समझती हूँ कि जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहती है, लेकिन जब समय जैसा दे और तकलीफ ना दे उसको एक्सेप्ट कर लें। फिक्स जॉब के लिए 43 डेज रेगुलरली माँ के आगे एक नारियल रखें। मैं आपको आज आपको आने वाले कल का राशिफल बता देती हूँ। आपने अपने भविष्य को जानना चाहते हैं तो राशिफल आपको बता रही हूँ। आपको अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है और भाग्य आपका कितना परसेंट साथ दे रहा है, आइए आपको बताती हूँ। अगर आपकी राशि मेष है तो आप अपने घर के बाहर जाते हुए सबसे पहले दायां पैर सबसे पहले बाहर निकालें और फिर जिस भी काम पर जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 70%। वृषभ राशि के लोग घर में एक पौधा लगाएं, इससे आपके घर में आने वाली बुरी बला अपने आप दूर होगी, घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 68%। मिथुन राशि के लोग क्या करें? आपको कल नई चप्पल खरीदनी है और अपनी पुरानी चप्पल का दान देना है, इससे आपके आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। किस्मत आपका साथ दे रही है 64%। कर्क राशि वाले लोग काली गाड़ी चलाते समय, रास्ता क्रॉस करते समय ध्यान रखें और घर से माथे पर टीका लगाकर निकलें। भाग्य आपका साथ दे रहा है 72%। सिंह राशि वाले लोगों को कल अपने बड़ों को उनकी फेवरेट डिश बनाकर खिलानी चाहिए, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लक साथ दे रहा है 82%। कन्या राशि वाले लोग अपने लिए नया कपड़ा खरीदें, इससे जीवन में नई शुरुआत होगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 77%। तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत आसान उपाय है, नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं, सारे रोग दूर हो जाएंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। वृश्चिक राशि वाले जातक चल चाहें तो नया वाहन खरीदें, इससे तरक्की की रफ्तार भी बढ़ेगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 79%। धनु राशि वाले लोग कल लक्ष्मी जी की पूजा करें, इससे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। किस्मत साथ दे रही है 63%। मकर राशि वाले लोग कल मंदिर जाकर लड्डुओं का भोग लगाएं, भाग्य आपका साथ दे रहा है 73%। कुंभ राशि वाले लोग सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, इससे आपके अंदर एक शक्ति का एहसास होगा, आप जो भी चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाग्य साथ दे रहा है आपका 81%। मीन राशि वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि कल आप गाय को सुबह पहली रोटी बनाकर खिलाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। शो के आखिर में आइए आपको आज का 5वां महाउपाय बता देती हूँ। एक साबुत नींबू लेकर उसे 21 बार सिर से पैर तक वार कर विपरीत दिशाओं में फेंक दें। इसके बाद एक साबुत पानी वाला नारियल लें और इसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे देव स्थान पर साबुत ही जला दें। ऐसा करने से शत्रुओं का नाश होगा।